राजस्थान लोक परिवहन सेवा और अवैध रूप से चलने वाले वाहनों ने रोडवेज विभाग के आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। ये कहना है रोडवेज यूनियन के नेता नायब सिंह का। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से चलने वाले वाहनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। अगर अवैध रूप से चलने वाले वाहन बंद हो जाए तो रोडवेज को घाटे से उभारा जा सकता है। वहीं लोक परिवहन सेवा की बसें हनुमानगढ़ बस स्टैंड के अंदर से चलने पर रोडवेज यूनियन और लोक परिवहन सेवा में विवाद हल भी नहीं हुआ। प्रशासन के दखल पर दोनों यूनियन को टाइम टेबल संयुक्त रूप से बनाने के लिए काम भी सिरे से नहीं चढ़ पा रहा। यूनियन नेताओं का कहना है कि प्रशासन और लोक परिवहन के प्रतिनिधि टाइम टेबल बनाने में गंभीर नहीं है। वहीं रोडवेज प्रशासन के अधिकारी भी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं।